ओल्ड एज पॉलिसी. पुष्पा जी आप ले रही हैं ओल्ड एज पॉलिसी. नहीं मतलब क्या पता वक्त का ऊंट किस तरफ करवट ले. वाह पुष्पा जी वाह, क्या तगड़ी बात कही आपने. एकदम भरोसा ही उड़ गया ना आपका बच्चों से. पुष्पा जी आप क्यों इतना टेंशन ले रही हैं? आपका लल्ला थोड़ी ना ऐसा करेगा. आपका लल्ला थोड़ी ना अपनी बूढ़ी माँ को घर से धक्के मार कर सड़क पर भूखा छोड़कर आवारा कुत्ते की तरह लावारिस जिंदगी बिताने के लिए थोड़ी ना छोड़ देगा. सो डोंट वरी, चिल. चलो चलो बाहर, चलो निकलो निकलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर, चलो 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 चलो. बहुत कर लिया आपने लल्ला लल्ला, अब उठाओ अपना मैला थैला और चलते बनो यहाँ से. चलिए ऐसे मत करो बहू रानी, कुछ तो भगवान का खौफ खाओ. अम्मा जब घर में खाने को कबाब बिरयानी हो तो हम खौफ काए खाएं. बहुत हुआ मदर इंडिया का एक्टिंग, अब कटो यहाँ से जाइए. ऐसे मत करो, ऐसे मत करो बहू रानी. जाइए ऐसे मत करो बहू रानी, ऐसे मत करो. नहीं लल्ला, संतु तुम हमें सांत्वना दे रही हो कि डरा रही हो? पुष्पा जी मैं आपको ये कह रही हूँ कि पॉलिसी लेना जरूरी है. तो जी कहिए, हम यहाँ के नए SHO है, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? वो हमारा पर्स चोरी हो गया है. जी आंटी जी बताइए आपका पर्स कहाँ से चोरी हुआ है? चंदन सिनेमा के बाहर से. चंदन सिनेमा? सिनेमास खुल गए? नहीं नहीं कहाँ, अभी कहाँ खुले हैं. और चंदन सिनेमा तो बंद हुए काफी साल हो गए. ना ना अभी नई फिल्म तो लगी है, आन मिलो सजना. वो सिनेमा देख के बाहर आए तो पर्स चोरी हो गया. माता जी जरा कोशिश कीजिए और दिमाग पर जोर डाल के याद कीजिए कि आप कौन सा सिनेमा देखने गई थी. हाँ कौन सा क्या सिनेमा? सिनेमा सिनेमा. आपके दादी के उम्र के हैं हम. और मैं सिनेमा लेके जाने की बात करते हो? आप तो निहायत ही घटिया बदतमीज और आवारा किस्म के इंसान हो. पुष्पा जी, ओ माँ, मुझे लगता है पर्स के साथ साथ इनका दिमाग भी चोरी हो गया है. अभी बताए ना, रीगल सिनेमा गए थे, अब क्या बारिश में शोले देखने चले जाए? शोले? हमें लगता है कि इन्हें भूलने की बीमारी है और ये गलती से भटकते हुए यहाँ आ गई. जय हिंद मैम सर. जय हिंद जय हिंद जय हिंद नई SHO करिश्मा सिंह, इस नए सफर के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू मैडम सर. देखिए इनके पास से अगर कुछ भी मिले, आइडेंटिफिकेशन, कोई कार्ड, एनीथिंग, हमें लगता नहीं है कि कुछ मिलेगा. शायद ये अपना नाम भी भूल गए हैं. माँ जी आप याद करने की कोशिश कीजिए, आप यहाँ किस काम से आई थी? ये बेटिया, ये आपकी तबीयत को क्या हो गया? एकदम सूखे कांटे की तरह हो गई हो. 100 बार ना, मतलब माँ जी अम्मा जी हम बताएं, दिन में 100 बार हम इनको बोलते हैं कि खाने पीने का ध्यान रखिए, देखिए कैसे सूख के कांटा होती जा रही, लेकिन हमारा सुनते नहीं. माँ आप समझाइए. झूठ बोलता है. देखो हम तुम्हारी दादी की उम्र के हैं, इसलिए कह रहे हैं अपनी बीवी का ख्याल रखा करो. बीवी? अरे माता जी मासूमियत में भूल गए. अरे माता जी बस आपका आ गया ना सर आंखों पर, आज के बाद से हम संतु जी को ना अपना पलकों पर बैठा के रखेंगे. देखिए डबल कसम खा के बोल रहे हैं, आप खाली अपना आशीर्वाद बने. संतु जी आशीर्वाद दीजिए. चीता सॉरी मैडम सर, हम तो ऐसे ही कुछ. देखा पुष्पा जी, बुढ़ापा बहुत खतरनाक होता है, देखो ऐसा होता है बुढ़ापे में, इसीलिए कहता हूँ मेरी पॉलिसी ले लो, साइन करो. बिल्लू लगता है तुम्हारा ये जो बिल्लू निवास है ना,
इससे तुम्हारा मन हट गया है। आपको बुरा लगा तो सॉरी करिश्मा मैडम, द न्यू SHO। मैडम सर, ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा, हमें कुछ और तरीका निकालना होगा। आंटी जी, आप एक बार शांति से आराम से एक बार बैठिए, आप बैठिए यहाँ पे, हाँ आराम से बैठिए। करिश्मा सिंह, आप क्या करने वाली हैं? मैडम सर एक मिनट बस। आंटी जी, बाहर लखनऊ में बहुत बड़ा बवाल हो गया है बबलू और गुड़िया को लेके, एक तो कांड में फंसते जा रहे हैं वो, तो आप हमें बताइए कि बबलू गुड़िया कहाँ है, तो हम जो है ना उनको कांड से बाहर निकाल दें। बबलू गुड़िया कौन है? हम किसी बबलू गुड़िया को नहीं जानते। अच्छा, तो पप्पू पिंकी, पप्पू पिंकी कहाँ है? मुझे लगता है पुष्पा जी की करिश्मा मैडम की आताश भी। देखिए आंटी जी, आप इतना टाइम बर्बाद करेंगी ना तो वो दोनों और कांड में फंस जाएंगे, फिर बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, सच्ची बता रहे हैं। आप याद कीजिए, पप्पू पिंकी को भी नहीं जानते। हाँ तो फिर चिंटू चिंकी। छोटू, हमारे छोटू को क्या हुआ? छोटू का नाम क्या है? अजय सिंह। और आपका नाम क्या है? सावित्री, हम सावित्री है छोटू की माँ। आप सावित्री जी, आप रहती कहां पर है? 2/423 हुसैनाबाद, हनुमान मंदिर के सामने। बताइए ना क्या हुआ हमारे छोटू को? वो ठीक तो है ना? अरे कुछ नहीं हुआ माँ जी, आपका छोटू एकदम फिट एंड फाइन है, आप टेंशन मत लीजिए। इनके बेटे का नाम अजय सिंह है। आपको कैसे पता वो उनका बेटा है? नहीं नहीं, हमको पता नहीं था पुष्पा जी, लेकिन इनके हाथ पे देखिए छोटू का टैटू है। और माँ अक्सर अपने बच्चे को ही छोटू बुलाती है ना। हाँ, छोटू नाम का पति अच्छा भी नहीं लगेगा। और फिर अपने बच्चे का ही टैटू करवाएगी, हमने ऐसा आइडिया लगाया कि शायद ये अपने बच्चे को छोटू बुलाती है तो उनके बेटे का नाम इसलिए अजय सिंह हुआ। और एक बात तो हमने आपसे सीखी है ना पुष्पा जी, कि माँ सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपने लल्ला को नहीं भूल सकती। बहुत खूब करिश्मा सिंह, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड ने इस मसले को आधा तो सुलझा ही दिया। थैंक यू मैडम सर। अब बस ये पता लगाना है कि इनकी हालत ऐसे कब और क्यों हुई। चाय 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 चाय। अरे वाह, ये लीजिए बदनाम स्पेशल इलायची वाली चाय। लीजिए करिश्मा सिंह, इस थाने की नई SHO, पहले आप चाय पीजिए। नहीं नहीं मैडम सर, हम तो टेम्पररी है, आप परमानेंट है, पहले आप पीजिए। करिश्मा सिंह, आपकी वजह से इस केस में ब्रेक थ्रू मिला है इसलिए पहले आप। नहीं नहीं मैडम सर, प्लीज आप पीजिए। पहले आप? नहीं, पहले आप पीजिए। पहले आप पीजिए। पहले आप पीजिए। पहले आप पीजिए मैडम सर, प्लीज पहले आप। ठंडी कर रहा हूं मैं, गर्म है ना। रख इसे, रख। और तुम टोपा होगा, तुमको पता नहीं है 2 SHO है? हाँ, जो एक ही लेकर आयो कप। आएगा अगर 2 SHO एक पहले चाय पियेंगे ना तो प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ता है, क्या बढ़ता है? प्यार बढ़ता है। वैसे देखा जाए तो केस अभी सॉल्व नहीं हुआ है, तो उस हिसाब से ये चाय कोई नहीं पिएगा। अच्छा तो ठीक है फिर, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता हम थाने में चाय नहीं पियेंगे। हाँ, और तब तक हम में से कोई भी चाय नहीं पिएगा। जी जी, आपकी माँ है? माँ लल्ला। माँ माँ जी, माँ जी कहाँ चली गई थी आप? कहाँ कहाँ ढूंढा हमने आपको, कहाँ थी आप? आप
ठीक तो है ना? जी इन्हें भूलने की आदत है, अक्सर बिना बताए चली जाती है। हाँ। और हम इन्हें ढूंढते रहते हैं। हाँ हाँ। आज भी पता नहीं ये कहाँ चली गई, कब निकल गई, पता ही नहीं चला। जी धन्यवाद। धन्यवाद, आते रहिए जी, ध्यान रखिएगा। चलिए माँ। मैडम आप मानती ही नहीं ना, देखिए ना कितना ज्यादा ब्रिलियंट है संतु जी, कितना अच्छा हुआ ना कि ये वाला वीडियो हमको भेज दी, लेकिन इसी वीडियो के साथ एक दिल वाला इमोटिकॉन भेज देते ना तो पूरा रात हम इतना खुश रहते। पूरा टोपा का टोपा ही रहोगे ना, नहीं सुधरोगे, कसम खाया तुमने। काम का बात करोगे? कर रहे हैं, कर। माँ लल्ला बाजी देख रही मैडम, मैडम देख रही, देख रही, देखिए ये देखिए, ये जो बहू है पुलिस वाला को देखिए तो इसके चेहरा का हाव भाव देख रही हैं आप, कैसे कर ली नकली। ये देखिए मैडम सर, बहू का अपने सास के लिए प्यार, कितना कसके गले लगा रही है। कुछ ज्यादा ही कसके गले लगाया है। मैं समझी नहीं मैडम सर, एक बात बताओ चीता तुम हमको, तुम्हारी अम्मा अगर कुछ गलती करती है या फिर बीमार हालत में सैर सपाटा के लिए चली जाती है तो तुम क्या करोगे, उनको कसके गले लगाओगे या फिर उनसे झगड़ा करोगे? मैडम हम गले तो लगाएंगे, लेकिन अगर इस सैर सपाटा के चक्कर में उसके जान पर बनाया ना तो पहले मिलेगी तो खूब सुनाएंगे उसको, बोलेंगे डांटेंगे कि काहे गए थे तुम बाहर, ये सब गलत काम है। एग्जैक्टली जब भी हम किसी से प्यार करते हैं, उनकी परवाह करते हैं, तो उनके इस तरह की लापरवाही करने पर हम उन्हें डांटते भी हैं। लेकिन ये देखो यहाँ पर ना बेटे ने ना बहू ने किसी ने भी माँ को कुछ नहीं कहा, एक बार ना डांटा ना टोका कुछ भी नहीं, उल्टा इतना ज्यादा प्यार दिखा रहे हैं जो बनावटी लग रहा है। बात तो सही है, नजर रखो चीता इस परिवार पर, नजर रखो। जी मैडम। ये क्या कर रहे हो बे? गर्मा गर्म चाय लाए हैं आपके लिए, चुपचाप मार लीजिए, हम वादा करते हैं इसको फिर से भर लेंगे, किसी को कानो कान खबर तक नहीं, मार लीजिए एकदम, मारिए 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 मैडम, मारिए हमारे मुंह को नहला दे। हम चाय का बात नहीं है, केस सॉल्व करने का बात है, तो बात नहीं कही के टेम्पररी ही सही, लेकिन बात है हमारे एसएचओ होने के भौकाल का। सुनना भी अलाउड नहीं है, तुम ना चलते बनो। सॉरी लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे जैसे क्या बोल रहा है? सॉरी यार। तू यहाँ क्या कर रहा है चीते? संतु जी आप यहाँ पर अकेले आ रही थी, हमको इसे आपका फिकर हो गया संतु जी, इसलिए आपका ख्याल रखने के लिए हम यहाँ पर चले आए। चीते तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। हमको यहाँ पर करिश्मा मैडम भेजी थी, हम आपके लिए नहीं आए थे यहाँ पर। लगाई था, मुझे लगाई था दाल में जरूर कुछ काला है। अरे रुकिए ना आंटी जी, रुकिए ना। अरे आंटी जी, आंटी जी मेरे भी कपड़े लेके जाइए ना धोबी के पास। हाँ बेटा लेके आओ, हम यही रुकते हैं। हाँ लाता हूँ। भाई साहब ये क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं मैडम, जब से मकान बेटे के नाम किया है बहू घर से निकाल देती है, कमजोर याददाश्त का फायदा उठाकर मोहल्ले वाले अपना अपना काम कराते रहते हैं। कैसा एक नंबर औलाद है ये, ले लीजिए। लाओ बेटा ठीक से बांधे है ना? हाँ हाँ चल। <दे। laughs>
अपनी माँ के साथ जो ऐसा सलूक करता है ना, इनके लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट बनाए, करिश्मा सिंह का स्पेशल ट्रीटमेंट। बाहर आओ। ताला मार। मैडम वो आप बाहर आना भूल गई। संतोष ताला मार दीजिए, मार दीजिए, मार दीजिए। सॉरी सॉरी। हाँ। और आपको गलत फहमी हुई है कुछ? आप मुझे अपनी अम्मा के साथ हेंटेन करता तू भाई, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बे? मैडम सर आप हमें मत रोकिए। बिना किसी केस पर हाथ उठाना आपके खिलाफ जा सकता है। मैडम सर हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी बॉर्डर मौलाद की तो हम जब के खातिर दानी। करिश्मा सिंह रुकिए, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। करिश्मा सिंह रुक जाइए, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। वो हमारा ख्याल रखता है मैडम। हम शर्मिंदा है मैडम, हम अपनी अम्मा को ऐसे दर बदर की ठोकर खाने नहीं देना चाहते। हमने इसीलिए वृद्धाश्रम में भी बात की है, हर हफ्ते मिलने भी जाएंगे अम्मा को। मैं तुमको इतना कूटे अभी फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं आया? देख रही है मैडम सर, आप अभी भी अपनी अम्मा को वृद्धाश्रम भेजने का बात कर रही है? संतोष शर्मा दरवाजा खोली। चाबी अंदर मैडम के पास है। बिल्लू दरवाजा खोलो। पिन? हाँ पिन। संतोष जल्दी। अम्मा जल्दी थोड़ा। मना हमारी गलती क्या है? बस बहुत हो गया, इसके बारे में नहीं तो कम से कम इसकी माँ के बारे में तो सोचिए। कैसा लग रहा होगा उन्हें अपने बेटे को इतनी बुरी तरह पिटता हुआ देखकर? और क्या होगा उसे इस तरह से पीटने से ये मसला हल हो जाएगा? अचानक से ये और इसकी बीवी अपनी माँ को इज्जत देना सीख जाएंगे? कैसे नहीं देंगे इज्जत अपनी माँ को, इसका तो अब्बा भी इज्जत देगा इसकी। करिश्मा सिंह रोकिए, आप भूलिए मत कि आप यहाँ पर टेम्पररी SHO हैं और हम परमानेंट, इसलिए अब भी स्थान में वही होगा जो हम कह रहे हैं। तो मैडम सर आप पुष्पद, ये जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, कानूनन गलत, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए। जब तक इसकी माँ ऑफिशियली कंप्लेंट नहीं करती अपने बेटे के खिलाफ, हम कोई एक्शन नहीं ले सकते। हम हमारे छोटों के खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। देखा देखा, तुमने अपनी माँ का जिंदगी खराब करके रखा है, लेकिन फिर भी तुम पे आँच नहीं आने दे रही है तुम्हारी जैसी औलाद। आइए वकील साहब देखिए। ये देखिए वकील साहब, कानून के रक्षक जनता के भक्षक बने बैठे हैं। हमारे पति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। देखिए हसीना जी, बिना किसी ऑफिशियल कंप्लेंट और बिना वारंट के आप ऐसे किसी को भी लॉकअप में नहीं रख सकती, ये इलीगल है, शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। कितना मारा है आपको वकील साहब, कितनी बेरहमी से मारा है मेरे पति को, और आप
चैन मिल गया आपको? क्या साबित करना चाहती हैं आप? क्यों हमारी घर की शांति को भंग कर रही है? हम तो बस यहाँ छोटू की दवाई देने के लिए आए थे। उसके बीपी की दवाई का समय हो गया था ना, तो क्या है ना मैडम, बचपन में कूट कूट के बादाम खिलाए उसे, लेकिन दवाई लेना भूल जाता है हमेशा, और हमें कहता है कि हमारी याददाश्त कमजोर है। इनका ये ढोंग देखकर तो आपको लग रहा होगा कि हम ही इनके साथ गलत है, पर सच तो ये है कि हम इन्हें झेलते हैं। कई बार ये गैस खुला छोड़ देती है तो गीजर ऑन कर भूल जाती है। इनकी वजह से कितने बड़े बड़े हादसे होते हुए बचे हैं हमारे। कई बार चोरी की वारदात हुई है इनकी वजह से। माँ जी, बहुत बहुत दुखी कर दिया आपने। वकील साहब, क्या मैं अपने पति को ले जा सकती हूँ? करिश्मा जी, जीते जी मैडम। चलिए माँ जी, चलते हैं। सावित्री जी, कहीं नहीं जाएंगी आप? आप इन्हें ऐसे यहाँ नहीं रोक सकती। देखा अपनी माँ की गिरफ्तारी का नतीजा? आज तक हमारी पुश्तों ने भी थाने का मुंह नहीं देखा था, पर आज आज इनकी वजह से मुझे इस थाने में आना पड़ा है। मैं बोल रही हूँ कि कल इनको वृद्धाश्रम छोड़ आना, नहीं तो मैं अपने मायके चली। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे हमारे छोटू को छोड़ के। मैडम जी, कीजिए ना, हमें वृद्धाश्रम नहीं जाना। आप हमारे बेटे और बहू को समझाइए ना, मनाइए उन्हें। हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन हमें वृद्धाश्रम ना भेजिए। हम हमारे छोटू के हम बगैर नहीं रह सकते, हमें उसे दूर नहीं जाना। हाँ तो माँ जी, अपने बेटे और बहू के खिलाफ कंप्लेंट कीजिए ना, हम देखते हैं आपको कौन वृद्धाश्रम लेकर जाता है। नहीं कर सकते, छोटू है हमारा, कोई माँ अपने बेटे के खिलाफ कैसे कंप्लेन कर सकती है? मैडम आप ही बताओ। हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.